आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? आप जो कुछ भी मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा। 1 करोड़ रुपया मुझको दे दीजिएगा। जरूर दे दूंगा, एकदम से दे दूंगा। तो एकदम से दे दीजिए। हाँ, अभी एकदम तुरंत दे दूं? अभी तुरंत से दे दीजिए। ठीक है, तो मैं कमा के दे दूंगा। जब कमा के दे देंगे तो शादी भी कर लूंगी। तब तक तो मैं एकदम बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं भी तो तब तक बूढ़ी हो जाऊंगी। तो बूढ़ा बूढ़ी में शादी करने का क्या फायदा? हाँ, बूढ़ा बूढ़ी भी नहीं तो और क्या। लेकिन बूढ़ा बूढ़ी में शादी का कोई फायदा नहीं ना होगा? हाँ, फायदा तो एकदम नहीं होगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कौन सा काम? अभी तुरंत केवल शादी कर लेते हैं, फिर आगे तुरंत, क्या? फिर बूढ़ा बूढ़ी में तुरंत 1 करोड़ रुपया एकदम से दे देंगे। गुरु जी ने तो ऐसा मुझको नहीं सिखाया है। तो गुरु जी ने कैसा सिखाया है? तुरंत 1 करोड़, तुरंत 1 शादी। ओ, तो तुरंत में 2 करोड़ और तुरंत में 2 शादी। अरे, मेरा मतलब वह नहीं था। मतलब कि 1 करोड़ मुझसे, दूसरे करोड़ में दूसरे से? अरे, मैंने तो 1 ही करोड़ कहा था। 2 करोड़ तो आपने बढ़ा दिया। अच्छा, वो सब छोड़िए, मेरा भी तो तिलक कम से कम 1 करोड़ होता है ना, कि नहीं होता? ठीक है, तो मैं भी तुरंत 1 करोड़ दे दूंगी। कैसे तुरंत 1 करोड़ दे दोगी? तुरंत मुझको भी 2 करोड़ दे दीजिए। मैं भी आपको 1 करोड़ रुपया तिलक आपको दे दूंगी। तुरंत तो 1 करोड़ भी नहीं जुट रहा है, तो 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? फिर तो ठीक है, तिलक का 1 करोड़ नहीं लीजिए, तब मैं 1 ही करोड़ लूंगी, तब ठीक रहेगा ना? आखिर करूं तो मैं क्या करूं, किससे मांगू? सबसे अच्छा उपाय है कि आप कर्जा ले लीजिए, लोन ले लीजिए। किससे कर्जा ले लूं, लोन ले लूं? महाजन से, या बैंक से, या सरकार से। ये सब तो हमको नीलाम कर देगा, लूट लेगा, कंगाल कर देगा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? न तो मैं महाजन हूँ, न बैंक हूँ, न सरकार हूँ, जबकि मैं खुद ही आपसे 1 करोड़ रुपये मांग रही हूँ। तो आप ही शादी करके 1 करोड़ कर्जा मान लीजिए अपना पति समझ कर। मैं पत्नी हूँ ही नहीं, अभी तो कर्जा कैसे मान लूँ 1 करोड़ का पति समझ कर। तो आखिर क्या हो जाएगा? फिर तो 1 करोड़ ही नहीं रहेगा और पति भी नहीं रहेगा। क्या मुझ पर दया नहीं आती है क्या? दया आती है ना? तो अपना कर्जदार ही समझ लीजिए। कर्जदार किसी का नहीं होता, न पति का, न पत्नी का। अच्छा, तो एक काम करते हैं, किस्त बंदी EMI कर देते हैं। क्या किस्त बंदी EMI? मैं कोई कंपनी तो हूँ नहीं। अच्छा चलिए, बुढ़ा बुढ़ी में नहीं तो सालाना ही में, नहीं, तो छमाही में ही, नहीं, तो 3 माही ही में,
नहीं नहीं तो महीना ही में, नहीं नहीं तो हफ्ता ही में, नहीं नहीं तो रोजाना ही में, रोजाना 1 करोड़ का किस्त रोजाना EMI दूंगा। कितना? 100 रुपया। 100 रुपये में तो मेरा नाश्ता भी नहीं होता। 200 रुपया। 500 रुपये में तो मेरा खाना भी नहीं होता। नहीं तो रोज 1000 रुपया। शादी के बाद रोजाना, हफ्ताना, महीना, सालाना सभी रुपया तो मेरा ही होगा ना? ये आपका कैसे हुआ? चलिए आपके आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि रिवाजाना किस्त कर देते हैं, अंगूठी पहनाना 25 लाख, बराती लाना 25 लाख, मांग में सिंदूर भरना 50 लाख। है ना आसान किस्त, आसान EMI, एकदम आसान शादी।